दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। राजधानी के अस्पतालों में आई फ्लू के मामले पहुंचने लगे हैं। शिमला शहर में मौसम ने करवट बदली तो स्वाइन फ्लू से कुछ राहत मिली, पर अब आई फ्लू ने दस्तक दे दी है। हालांकि अभी यह बीमारी इतनी फैली नहीं है, लेकिन इसके मामले शिमला के आईजीएमसी में देखने को मिले हैं। एमएस डॉक्टर जनक ने बताया कि प्रतिदिन आई फ्लू के मरीज इलाज को पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति की आंखें लाल हो या कुछ चिपचिपा सा निकले तो आंखें ठंडे पानी से धो लें और नजदीकी अस्पताल में अपना चेकअप करवाएं। आई फ्लू के कितने मामले सामने आए अभी इस वक्त? आई फ्लू के इक्का दुक्का पेशेंट जो है वो प्रतिदिन ओपीडी में आ रहे हैं। कोई ऐसा कोई ज्यादा आउटब्रेक और एपिडेमिक ऐसा कोई हमारा ध्यान में नहीं है, ना ही हमारे अस्पताल के डाटा में कोई लोगों की संख्या में कोई ऐसी बढ़ोतरी है जिसको लेकर कोई लोगों को घबराने और पैनिक होने की ज़रूरत है। तो इसमें हम यही कहना चाहेंगे लोगों को कि जब भी किसी में परिवार के किसी सदस्य की आंखें लाल हो या उसमें चिपचिपा जैसा वो मटीरियल सुबह आंखों में जमने लगे तो उससे एहतियातन बच्चों और बुजुर्गों या बाकी लोगों को भी उससे कॉन्टैक्ट ना हो, दूरी बनाए रखें और बार बार साफ पानी से अपनी आंखों को धोएं और अपने नजदीकी अस्पताल में इलाज करवाएं। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए शिमला से रुचिका चंदेल की रिपोर्ट। यदि आप गहनों के शौकीन हैं और खरीदारी की सोच रही हैं, तो अवश्य आएं भूषण ज्वेलर्स। सोलन के भूषण ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं पारंपरिक एवं आधुनिक आभूषण का बेजोड़ खजाना, वो भी बेहद किफायती दामों पर। भूषण ज्वेलर्स आभूषणों की दुनिया का वो नाम है जो कम ही समय में नामी आभूषण निर्माताओं में शुमार हो गया है। भूषण ज्वेलर्स सोलन कर एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि शादी विवाह के आभूषणों की खरीद व किटी अकाउंट खोलने पर ग्राहकों को सुनिश्चित उपहार दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि त्योहार के सीजन में ग्राहकों को एक इयॉन, 5 स्कूटी व ढेरों इनाम दिए गए। डायमंड की खरीद पर 40% की छूट दी जा रही है, तो देर किस बात की, अपनी सुंदरता को चार चांद लगाने के लिए चले आए भूषण ज्वेलर्स सोलन।